जंग है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे जैसे भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है और जश्न का माहौल और ज्यादा रंगीन होता जा रहा है, खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है और इस वक्त छत्तीसगढ़ में हमारे सहयोगी आशीष तिवारी विक्रम उसेंडी से खास बातचीत करते हैं। गोली में आ रही है, इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को? निश्चित रूप से 350 से ज्यादा सीट प्राप्त करना हमारे नरेंद्र मोदी जी इन 5 सालों जो बेहतर हमारी केंद्र की सरकार ने काम, उनके मोदी जी के नाम और काम, और जिस प्रकार से पूरे देखें देश में जिस प्रकार 350 ज्यादा सीट, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से हम करीबन अभी 10 से ज्यादा सीट हम जीत रहे हैं और बहुत बड़ा एक कहना चाहिए पहली बार ये 30 साल बाद और पूरे इस 5 साल की सरकार बनने के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बहुत बड़ी उपलब्धि, और आने वाले समय में ये प्रदेश की सरकार को भी बड़े समाचार कहना चाहिए। सरकार रहने के बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री उनकी सीट भी वहाँ पर नहीं बजा पा रहे हैं, वो मतलब कहना चाहिए हार का कारण, जो एक भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम के आधार पर चुनाव हम जीत रहे हैं, बहुत बड़ी। उसेंडी जी, जब एग्जिट पोल आया तब ये अनुमान था कि 6-5 या 7-4 का रेशियो हो सकता है, लेकिन 2004, 2009, 2014 के इतिहास को बीजेपी दोहरा रही है छत्तीसगढ़ में, ये आंकड़ा का फेर किस तरीके से रहा? नहीं देखिए, बीजेपी भी नहीं मान रही थी कि ये पुराने नतीजे वापस आ पाएंगे। नहीं, मैं तो पहले से ही कह रहा था प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जितने भी मेरे बाइक देखे मैं पहले से कह रहा था 11 में हम 11 सीट जीतेंगे। यहाँ तक किसी एक हमारे कुछ ना कुछ टिप्पणी भी कर रहे थे, लेकिन इस बात को मैंने अध्यक्ष बनने पर लगातार मैंने भी कार्यकर्ताओं से बात करके पहले विधानसभा पराजय को देखते, पहले लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और मोदी जी के नाम और काम, और इसके लिए कोई हताशा की बात नहीं, हम सभी जगह दौरा भी किए थे, एक माहौल देखकर मैं कह रहा था कि 11 में 11 सीट हम छत्तीसगढ़ में जीतने वाले, इस बात को मैं शुरू से ही मैं अपने स्पष्ट तौर से सभी मीडिया के इसमें अपनी बात को रख रहा था। कांग्रेस के दावे के विपरीत रिजल्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, इसे किस तरह से? कांग्रेस दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे कि यहाँ पर सरकार बने, हम पूरे 11 सीट जीतेंगे, जिस प्रकार के जो ये 4 माह में उनकी स्थिति जो देखने को मिल रही है, उस प्रकार जो भूपेश सरकार के फेलवर नीति है उसके चलते इस प्रकार निर्णय, और केंद्र सरकार के मोदी जी के 5 साल के इस कार्यकाल में बेहतर हमारी सरकार ने काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मोदी जी के नाम और काम के आधार पर हम जीते हैं जी। एक आखिरी सवाल आपसे कि जब मंत्रिमंडल का मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, तब चूंकि छत्तीसगढ़ में इतिहास बीजेपी ने दोहराया है, लगभग उसी आंकड़ों को छुआ है बीजेपी ने, क्या उम्मीद प्रदेश नेतृत्व की है कि मंत्रिमंडल में कितने चेहरों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, ये मंत्रिमंडल विस्तार का काम प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, अब किनको लेना नहीं रहे वो निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनादेश आया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की दृष्टि से और बेहतर एक हम खोज करके जिस प्रकार से परिणाम आए, इसके लिए मैं इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं और जनता को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल था कि प्रमाण पत्र लेने के बाद सांसदों को क्या निर्देश है, क्योंकि पहले चर्चा यह हुई कि सीधे उन्हें दिल्ली जाना है, अब जब ज्यादातर सीटें बीजेपी के हिस्से आई है तब सांसदों के लिए क्या निर्देश? देखिए, इसके लिए तो अब ऊपर से जो निर्देश प्राप्त होंगे और अधिकतर सांसदों को 2 दिन के अंदर पहुंचना ही रहता है दिल्ली, तो इस प्रकार से जो भी वहां से केंद्र से निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे, और क्योंकि स्पष्ट रूप से अब सरकार बनी है तो आज देर रात तक प्रमाण पत्र का वितरण होता, तब तो परसों 2-3 दिन बाद हमारे अधिकतर सांसद जीत करके पहुंच जाएंगे, हम उनसे सबसे चर्चा भी करने वाले, बिल्कुल चर्चा भी करेंगे। और ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, और जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जिट पोल निकलकर सामने आए थे, एग्जिट पोल में लगातार ये चर्चा होती रही कि जो रेशियो होगा जीत का आंकड़ा होगा वो 7-4 या 6-5 हो सकता है बीजेपी